बाउल का काम है सिर्फ बोलना, और सरकार का काम है उन समस्याओं को हल करना। हम हल करते हैं जैसा आपने आज भी देखा, और हम एक एक समस्या जो है देश की, हमारी सरकार चाहे प्रदेश में है चाहे केंद्र में है, उसको हल करती है। राहुल बोलता है, इसको बोलता रहने दो, इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो आप पार्टी का जो किरदार है लोगों के सामने अच्छी प्रकार से उजागर हो गया। पंजाब में चुनाव शुरू होते हैं तो इनके लीडर की पिटाई हो जाती है पैसे मांगने के आरोप में। गुजरात में होते हैं तब वहाँ पैसे मांगने के आरोप लगाए जाते हैं। दिल्ली में चुनाव आए तो दिल्ली में सबने देखा मीडिया के ऊपर कि कैसे उनके MLA को उनके ही कार्यकर्ता पीट रहे हैं। तो ये तो राजनीति के आड़ में दुकानदारी कर रहे हैं, ये भी हुई थी वो अब लोगों के सामने आ गई है। और दूसरा इनका किरदार, ये कितने साफ पाक स्वच्छ और पवित्र हैं, वो भी खुल गया कि जेल के अंदर मंत्री अपनी मसाज करा रहा है। और पहले ये बताया गया कि ये फिजियोथेरेपिस्ट है, और बड़े बड़े इनके नेताओं ने बताया, केजरीवाल ने बताया, अन्य ने बताया कि ये फिजियोथेरेपिस्ट है और वो अपनी हेल्थ के कारण करवा रहा है। लेकिन अब राज उजागर हुआ कि वो रेपिस्ट है, और रेपिस्ट भी नहीं, वो जो है पोक्सो एक्ट का मुजरिम है, और उससे वो अब किस प्रकार का इलाज करवा रहे हैं, उससे वो कौन सा ज्ञान हासिल करने के अंदर कोशिश कर रहे हैं, कौन सी मालिश करवा रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन दुनिया के सामने सच्चाई सामने आ गई।